अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है? अमीर सारे दोस्त ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम ना। अज का व्लॉग स्टार्ट करते, मेरा नाम एहसन, तुसे इस पे यूट्यूब चैनल एहसन 53 TDA। अज यार सुबह मौसम तो बड़ा ज़बरदस्त बनया है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैं सोचता रहा चलो थोड़ी देर बाद व्लॉग स्टार्ट करा तो बहुत देर होगी। हूँ व्लॉग शुरू करते पे हैं। अज कि जाने की प्लैनिंग तो है नहीं था कि कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह तो अज का दिन रेस्ट करते हैं, कल निकलेंगे। बाकी तुम थोड़ा एरिया चेक करा दें कि मौसम का की सूरत हाल। तो यार जबरदस्त निकली हुई है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा, ऐसा होया तो मैं क्या चलो अज्ञा दिन रेस्ट ही करते हैं। दो तीन दिन तो यार मैं तो ट्रैवल पर रहा, तो बच्चों की उ खबर ही नहीं लई जींद आ कि नहीं, लेकिन हूँ देखते हैं की आगे भी आ कि नहीं। टोकरा दिता हुआ पानी छानी रख दें, मैं तो रखे नहीं था कि घर है नहीं थी, तो हूँ देखते हैं की सूरत हाल। चाहिए पहले ये बंदूक कस के खड़ा हो जाता। यार टोकरे की वजह तो बच्चे बच गए, जो टोकरा ना होंदा तो कदों दे बिल्ली का नाश्ता बन जाने थे। पहले भी एक नाश्ता बनाया, एक डिनर बना गई, दो बच्चे खाधे हमने पिछले साल। इस साल अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद हैगी भी टोकरा सेफ्टी पूरी है, बच जाएंगे। देखते हैं अगे की बनता इन्हों का बेचारे। यार अज वीडियो के चक्कर मेरे अपने कंडे लग गया, देखो इदियाँ सेम जिदा कां ने लौंदर मारी होंगी है बचपन के जो होंगे थे ना, कां बड़े पिछे लगते होंगे सी, हूँ तो भज जाइए। बचपन के भजन नहीं सी देते होंगे, कां उपरों उठ के आते होंगे सी। इतने साढ़े एक नाल गली वे जो उस गली लंघना उदो कां पिछे लग जाता हूँ साढ़े, बड़ा मारदा मतलब लौंदर मारदा हूँ सी, सिर के ठूंगे मारदा हूँ। अज भी उही हिसाब होया, देखो वीडियो बनाने के चक्कर मेरे जख्म हो गया। पहला तो पखा अड़िया, तो बंदा समझता पता नहीं जहाज चलता पाया। यार टाइम जो असर के करीब होने वाला वा, मैं तो नींद आ गई थी, इस वजह तो मैं सौ गया, बिल्कुल टाइम तो पता ही नहीं लगा। हूँ उठिया देखा तो परछावें ढले पे आ, फिलहाल असर दिन माँ इंतजार करते बैठे हैं। यार फारग ही बैठे थी, मैं क्या चलो थानू कोई थोड़ी जी इनफॉरमेशन दें, मतलब जिहड़ी चीज़ का पता वो मैं थानू दसदा, तो दसूँगा मैं थानू ये कि यार अगर तुसी कोई म्यूजिक थानू पसंद आ गया वीडियो देखने के दे दौरान, वो म्यूजिक तुसी डाउनलोड करना चाहते ना, वो नाम पता ना, पता है किहड़ी जगह पर पिया होगा, तो वो वास्ते एक ऐप का यूज़ होंदा, तो हुण मैं थानू मोबाइल की स्क्रीन पर जाके अगे चैक करवाऊंगा। एप्लीकेशन का नाम हैगा शज़ाम, जिदी इन ओपन करूँगे ना दूसरे मोबाइल से सोंग ला के करीब करूँगे ना, तो सोंग का नाम तेरे सामने आजगा। यार असर की नमाज पढ़िया थी, फिलहाल मैं तो अफतारी का इंतजार करता बैठा, तो उस बाद चलने मगरब की नमाज पढ़ने तैयारी करके अल्लाह खैर करे। फाइनली यार रोज़ा खुलने का टाइम हो गया, तकरीबन खुलने वाला ही एक दो सैकेंड या एक दो मिनट बाद घुग बजना। अफतारी करके मगरब की नमाज पढ़िया थी, हूँ बैठे हैं फारग ईशा की नमाज इंतजार करते बैठे हैं। कल माशाल्लाह चौथा रोज़ा हो जाना, तो सच दसना रोज़े कौन कौन रखता पाया, किदा जा रहे रोज़े या कौन कौन नहीं रखता पाया, कमेंट करके जरूर दसियो। इस बहाने चलो कमेंट तो करूँगी, उदा तो कमेंट नहीं करते। फिलहाल ईशा की नमाज इंतजार करते बैठे, ईशा की नमाज तो बाद व्लॉग एंड करते हैं। यार ईशा की नमाज तो पढ़ ली है मैंने, फिलहाल आज का व्लॉग एंड करते हैं। आज यार जैसे कि आपको पता मैं किधर भी नहीं गया, सारा दिन घर पे ही रहा है। उसकी वजह ये कि यार कल मैंने थोड़ा सा लंबा ट्रैवल कर लिया था, इसलिए डीआई खान चला गया था, तो इसलिए मैंने कहा आज रेस्ट करते हैं, तबीयत भी नहीं सेट थी, इसलिए मैं घर पर ही रहा है सारा दिन। तो यूट्यूब के हवाले से यार आपको कुछ बता दूँ मैं कि यूट्यूब पर जब बंदा आता है तो उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, पहले से ना बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है, उसका फोकस यूट्यूब पर रहता है। वो जब फ्री होता है तो YouTube के बारे में सोचता है। जब मैं YouTube पे काम नहीं करता था तो मैं जब फारग बैठता था लोगों के बारे में और लोगों दोस्तों के बारे में सोचता था, लेकिन अब उसकी निस्बत मैं बहुत कम सोचता हूँ, मुझे सोच आती है सिर्फ YouTube के बारे में, उनके बारे में भी सोच आती है लेकिन बहुत ज़्यादा कम आती है। मतलब मेरा फोकस है यूट्यूब, तो मैंने यूट्यूबर बनना है। जो काम वही बंदा कर सकता है जो बंदा शौक से करे, अगर आपका शौक है यूट्यूबर बनने का तो आप यूट्यूबर बन सकते हो, अगर आपका शौक किसी और फील्ड में जाने का, दुनिया में बहुत सारे काम हैं, वही काम करें जिसमें आपका शौक हो।
इसके बाद जब मैंने YouTube पे काम शुरू किया तो यार मुझे टाइटल का नहीं पता था, डिस्क्रिप्शन का, उसके बाद टैग का, हैशटैग का, कॉपीराइट का, कम्युनिटी गाइडलाइन का, उसके बाद फिर मोनेटाइजेशन का भी नहीं पता था। ऐसा ऐसा जब मैंने काम किया, एक्सपीरियंस पढ़ा, एडिटिंग का सब कुछ पता चल जाता है। ऐसा ऐसा अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता। एक साल के बाद जाकर तकरीबन बंदे को सारा अंदाज़ा हो जाता है, हर एक चीज़ का पता लग जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं कल के व्लॉग में।